आईनाक जी, आप यहाँ रेडियंस आइकॉनिक अवार्ड 2024 में पधारी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अहमदाबाद कुछ अर्जे के बाद आई हूँ और स्पिरिचुअल अवार्ड्स है एंड वी आर फेलिसिटेटिंग सम एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रेटर्निटीज, सम वास्तु कंसल्टेंट्स एंड दे आर टॉपिंग द गेम इन द इंडस्ट्री। और अपने अपने फील्ड में दिग्गज लोग हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है और स्पिरिचुअल लाइन है। मैंने काफ़ी अवार्ड्स अटेंड किए हैं बट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं खुद स्पिरिचुअल बहुत हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हूँ जिसमें स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है। एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं यहाँ पर हूँ, रेडियंस आइकॉनिक अवार्ड्स का हिस्सा हूँ। एंड वी कैन टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, सो मेनी थिंग्स। और मैं खुद बिलीव करती हूँ वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में। मैं खुद काफ़ी टाइम स्टडी भी करती हूँ बैठ के। एंड आई बिलीव हर घर की कुंडली होती है, हर इंसान की कुंडली होती है। मैनी पीपल बिलीव इन इट, मैनी पीपल डोंट, बट काफ़ी मैं दिग्गज लोगों को जानती हूँ जो बिजनेस वर्ल्ड के, लाइक दे आर रनिंग द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। वो खुद कुंडली के बिना उनके घर में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आई थिंक हर इंसान का जब जन्म होता है तो प्लैनेटरी पोजीशंस होती है उस टाइम पर। दैट्स हाउ, वन सेकेंड, पानी, सॉरी नो, या सो आई फर्मली बिलीव वेन एवर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, उस बच्चे की कुंडली होती है, प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं। वरना एक फॉर एग्जांपल, मैं 2 दिसंबर को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, बट 2 दिसंबर को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर बॉर्न, बट हर इंसान एक जैसा नहीं है। तो प्लैनेटरी पोजीशंस उस टाइम पर क्या होती हैं उस हिसाब से कुंडली तय की जाती है। एंड रेडियंस आइकॉनिक अवार्ड इज बीन हैपनिंग सिंस 10 ईयर्स, आई थिंक 10 ईयर्स इज ऑलरेडी हैपेंड। और मुझे उसका हिस्सा बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मुझे न्योता दिया आप लोगों ने। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द अवार्ड्स टुनाइट, टुडे इवनिंग, एंड आई होप अहमदाबाद से बहुत प्यार लेके जाएँ और यहाँ पर वापस आएँ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गिव अवे द अवार्ड्स टू all the people who deserve the award today. आप खुद कितना मानते हो ज्योतिष और वास्तु में? मैंने अभी बताया ना, मैं खुद स्टॉन्च बिलीवर हूँ एस्ट्रोलॉजी की। मैं एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बिलीव करती हूँ, मैं वास्तु को भी मानती हूँ। टैरो रीडिंग तो मैडम ने भी की है हमारी, मैं टैरो मैंने कभी इतना कराया नहीं, बट मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे शौक है। और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, मैं सिद्धि कुंज का स्त्रोतम माता जी का पाठ भी करती हूँ, और मैं खुद शिव भक्त हूँ और हनुमान जी की भी आराधना करती हूँ। शिव का एक श्लोक बोलिए सर। मैं श्लोक नहीं बोलूँगी, नहीं मैं महामृत्युंजय वगैरह सब करती हूँ, लेकिन ये है कि शिव जी की तो कई सारी चीज़ें हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो यूनिवर्स है, सारी कायनात जो है, वो शिव और शक्ति से है। और शिव पुराण में ये बोला गया है कि मैंने जब शिव पुराण पढ़ी थी, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, मैं शंकर भक्त हूँ, बट काफ़ी लोगों को शायद ये मालूम भी नहीं है कि शिव और शंकर में फ़र्क क्या है। शिव निराकार है, शिव का आकार नहीं है, ठीक है। शिव से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और शंकर जी वो हैं जो समाधि में बैठे हैं। जैसे कि वी कम टू नो दैट यस्टरडे यू वर इन गोवा एंड टुडे यू आर इन अहमदाबाद, एंड आई सो योर स्टोरी आल्सो ऑन इंस्टाग्राम, इट्स अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल, राइट? यस, आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं सोई हूं। इन दिस केओस, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर दिस प्रेयर्स एंड दिस? मैं जब, हां जी, तो मैं, यू आर फॉलोइंग दैट और व्हाट? यस यस, तो श्रावण जैसे लास्ट ईयर भी थे, अभी भी श्रावण से कौन चालू करे छे खाली डोर बंद। श्रावण में शिव जी की आराधना ज्यादा करती हूं, और नमामि शमीशान का मैं जो मंत्र है, जब मैं घर पे होती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरे यूट्यूब पे नमामि शमीशान का जो आधे एक घंटे का मंत्र है, मोस्टली पूरा दिन ही चलता है बैकग्राउंड में। तो मैं कुछ भी काम करती हूँ, मैं या तो 1008 बार ओम हन हनुमंते नमः का जाप सुनती रहती हूँ घर पे। ज़रूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में हो के इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। धनु राशि में सूर्य है, 2 दिसंबर में इसका बोन है, इसीलिए शिव का सब होना स्वाभाविक है। थैंक यू सो मच। बट धनु राशि में सूर्य
लेकिन मिता बेन, आज मिरल फाउंडेशन के उपक्रम से रेडियंस आइकोनिक अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, हर साल होता है, आज क्या विशेष है, आज के आयोजन के बारे में बताइए। आज इंडिपेंडेंस डे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे विद कायनात अरोरा। पूरी कायनात को कायनात ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, दैट इज द मेन थिंग। ऑल द एस्ट्रोलॉजी फील्ड पीपल, दिग्गज लोग यहाँ पर जमा है, उनके साथ एक और सेलिब्रिटी हमारे साथ है जो इन सब एंजॉय करने के लिए सब। अभी हमने कर्मा का गाना भी देखा, दिल दिया है जान भी दे दिया है वतन तेरे लिए, तो अभी हम वतन को भी दे रहे हैं और कायनात को भी दे रहे हैं। कायनात जी, मीता जी के द्वारा कई वर्षों से ये काम हो रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे मीता जी और मिरल के बारे में? सो नाइस, क्योंकि काफ़ी ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। आई एम श्योर लोग करते होंगे, पर इतने बड़े पैमाने पे जहाँ लाइक फ्रॉम एंटायर कंट्री, अलग अलग स्टेट से, सिटी से पीपल हैव कम अंडर द वन रूफ, एक पोडियम पे लोग मौजूद हैं और उनको सराहा जाएगा, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप ये करती आ रही हैं। एंड ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, आई लव इट, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, लाइक आई सेड, एंड आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करें, डिबेट करें। हर वक्त फैशन या ये सब, मतलब ये भी एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हीलिंग मिलती है, और सुकून किसको नहीं चाहिए ज़िंदगी, हर इंसान की ज़िंदगी में सुकून इज़ वन थिंग, जो हर इंसान सुकून को खोज रहा है, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम सुकून तक पहुँच सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से। एंड ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं तो काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, और ऐसे लोगों को हमें अवार्ड्स के थ्रू मोटिवेशन देनी चाहिए, क्योंकि दे आर डूइंग सो वेल इन द इंडस्ट्री, और कितने लोगों की ज़िंदगी सुधार रहे हैं लोग। क्योंकि जब इंसान अपना मार्ग भटक जाता है तो वो एक स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में होता है। अब इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टैरो रीडर, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजर, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वास्तु रीडिंग, जिसमें आपको सुकून मिले, आप चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, जहाँ सुकून मिले, ये सब आई थिंक घूम फिर के एक ही जगह आना है, पाथ हुई है। थैंक यू सो मच।